हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको हेल्प करेगी उन लोगों को जो कि अभी ट्वेल्थ कंप्लीट करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं और फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं कि हम डी फार्मा करें कि बी फार्मा करें कि फार्म डी करें कि जो है बी फार्मा प्लस एमबीए करें। क्योंकि जितने भी कोर्स हैं डी फार्मा के लिए, मतलब फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए, चारों कोर्स का एडमिशन का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। ट्वेल्थ कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 50% से एबव मार्क्स होना चाहिए। तो हम किस कोर्स में एडमिशन ले, कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, तो इसी में आपका आज हम हेल्प करेंगे और आपको एक अच्छा सा फाइंड करेंगे कि आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आप डी फार्मा कीजिए कि बी फार्मा कीजिए कि फॉर्म डी कीजिए कि बी फार्मा प्लस एमबीए में एडमिशन लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लियर करते जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आप अपना खुद करियर का डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना बेटर रहेगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्मा किन लोगों को करना चाहिए और डी फार्मा का क्या कुछ एडवांटेज क्या कुछ डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप अच्छा स्टडी के लिए अभी से प्लान बना रहे होंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, आपको स्टडी करवाना चाहती है और आप स्टडी करना चाहते हैं और आप फार्मेसी फील्ड का एक अच्छा सा मास्टर बनना चाहते हैं और फार्मेसी का वाकई में नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डी फार्मा की तरफ मत आइएगा। सीधे सी बात करें, सिंपल सा, तो डायरेक्टली ऐसा बहुत स्टूडेंट करें क्यों डी फार्मा में क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक होगी, आपको सपोर्ट करती होगी और आपका भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको ऐसा है कि नहीं, आप जो है अच्छे लेवल की स्टडी करके एक जो है कि क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी इंश्योरेंस या फिर साइंटिस्ट बनने वाले हैं या फिर आप अच्छा कुछ बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, तो यहाँ पे डी फार्मा की तरफ मत आइए फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं कि डी फार्मा किसको करना चाहिए। देखिए, जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है और लाइक कि बहुत से ऐसे होते हैं कि करने मतलब चाह के भी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकती, लाइक कि उतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती कि अपने स्टूडेंट को जो है 4 साल तक यहाँ पे बी फार्मा का जो है ये ग्रेजुएशन डिग्री कराए जो है फार्मेसी में, तो आप लोग के लिए सबसे बेटर है डी फार्मा। डी फार्मा कीजिए, फार्मासिस्ट सभी कोई भी कोर्स करेंगे आप फार्मासिस्ट ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे डी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, शॉर्ट टाइम 2 ईयर का कोर्स है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके स्टडी नहीं करना पड़ती अगर हम कंपेरिजन कर दें बी फार्मा से, तो क्योंकि बी फार्मा में सेमेस्टर वाइज जो है कि एग्ज़ाम होता है आपका और यहाँ पर जो है आपका ईयरली में एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डी फार्मा की तरफ आ सकते हो और आपकी फैमिली बैकग्राउंड उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है और आप बहुत ज़्यादा स्टडी के हो लेकिन मतलब जो है उत्साहित नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे पास 1-2 साल टाइम है, इसी में हमको किसी न किसी तरह से सेटल होना है, तो आप यहाँ पे डी फार्मा की तरफ आ सकते हो। इसमें सबसे पहला जो इसका होता है कि डी फार्मा करने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो होता है आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। फ्रेंड्स, मैं क्लियरली बताऊं, बहुत ज़्यादा स्कोप है लेकिन मैं जो करते हैं, जो मतलब जितना करने के लिए सबको औकात रहता है कि ये सभी लोग कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद अगर आपके पास पैसा है, आपके पास है, तो मतलब आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अच्छा खासा एक बेनिफिट कमा सकते हो। मेडिकल शॉप में ऐसा नहीं कि कम फायदा, अगर आपका चल गया तो बहुत लाखों का आप इनकम करोगे यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा होता है एमआर के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मेडिकल का प्रचार प्रसार, एक तरह से सिंपल सी बात में आप समझ सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कंपनी का जो भी कुछ प्रोडक्ट है, जो भी कुछ मेडिसिन है, उसको डॉक्टर तक पहुंचाना, एक काम होता है एमआर का। इसको भी डी फार्मा करने के बाद आप कर सकते हो। इसके बाद जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का जॉब, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ज़्यादातर जॉब मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखिए, बहुत बोलने के लिए तो हम भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है मैं उसको हर वीडियो में आपको बताता हूँ रियलिटी चीज़, और इस वीडियो में भी आपको रियलिटी बता दें कि डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में 10% भी लोग नहीं जा पाते हैं मेरे भाई। जॉब तो है, इंडियन आर्मी में है, इंडियन नेवी में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट क्लिनिक में है, प्राइमरी हेल्थ केयर में है, लेकिन डी फार्मा करने के बाद ये सभी जो एग्ज़ाम होता है क्रैक नहीं कर पाते हैं और बहुत कम लोग जो है यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी रहती है और बहुत कम लोग सेलेक्ट होके जा पाते हैं। तो ये कुछ डी फार्मा अगर आप कर रहे हैं तो डी फार्मा का ये कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी है, डी फार्मा करने के बाद ये कुछ स्कोप है। आप चाहें तो डी फार्मा, आपके पास कम टाइम है तो कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डी फार्मा कीजिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो,
और आपके फैमिली में भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो अच्छा कोर्स है। करने के बाद मैं ये श्योर करता हूँ आपको कि आप खाली नहीं बैठिएगा, मतलब कि आप 15-20 हज़ार रुपये मतलब पर मंथ आसानी से आप कमाइएगा, और एक अच्छे से प्रोफेशन के साथ। ऐसा नहीं कि आप मतलब लाइक कि 15-20 हज़ार रुपये कहेंगे क्या यार, लेकिन मतलब अगर कहीं प्रोफेशनल काम है तो यही बहुत होता है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसके बाद बात करते हैं बी फार्मा। अगर आप करते हैं तो बी फार्मा किसको करना चाहिए, बी फार्मा के क्या कुछ एडवांटेज हैं। तो देखिए, अगर आप बी फार्मा को आते हैं तो एक ग्रेजुएशन डिग्री है सबसे पहले यहीं पे, कि वो डिप्लोमा थी और ये एक ग्रेजुएशन डिग्री है। ग्रेजुएशन मतलब कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पे कंपनी में डी फार्मा केवल MR का काम कर सकता था। ज़्यादातर एक्सपीरियंस बेस पे तो अच्छा खासा है, मतलब सैलरी मिल सकती है, कंपनी में भी मतलब जो है कि काम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बी फार्मा वाले हों डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और साथ में ड्रग इंस्पेक्टर, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी मतलब एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन मांगा है तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कि सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, UPSC वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे ISPCS बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये बी फार्मा का कुछ एडवांटेज है, जबकि डी फार्मा वाले ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की, तो लाइक बात करें कोई ग्रेजुएशन लेवल जैसे सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे कोई मतलब जॉब है उसके लिए भी, तो ये सब आप नहीं कर सकते हो। और आप कंपनी में भी इंडस्ट्री में डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और प्रोडक्शन वगैरह का काम आप नहीं कर सकते हो कंपनी की बात करें तो। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, मतलब आप अगर बी फार्मा को आते हो तो यहाँ पे एक ग्रेजुएशन डिग्री है, और साथ में अगर आप इसके बाद डायरेक्टली आगे पढ़ना चाहते हो तो आप एम फार्मा भी कर सकते हो, जो कि उसके बाद आप चाहे तो PhD भी कर सकते हो और अपना साइंटिस्ट वगैरह या फिर आप रिसर्चर वगैरह बन सकते हो। तो ये डायरेक्टली मतलब बी फार्मा एक ऐसा है ग्रेजुएशन के बाद मतलब स्टडी आपका जो है हाई लेवल की आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन डी फार्मा ऐसा नहीं है कि एक बाधा है आप उसके बाद रुक जाओगे आगे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगेगी। जैसा कि आप डी फार्मा करके बी फार्मा करो तो लेटरल एंट्री तो आपका एडमिशन हो जाएगा जो है कि 3 मतलब सेकेंड ईयर में, लेकिन फिर भी आपको 5 साल लगेंगे बी फार्मा करने के बाद। उसके बाद आप 2 साल अपना लगाओगे जो है कि मास्टर डिग्री करोगे, फिर अपना जो है डॉक्टरेट डिग्री करोगे, तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म डी किन लोगों को करना चाहिए। तो सेम यहीं पे कंडीशन आ जाए कि जिस तरह से डी फॉर्म को कुछ मतलब कम अपॉर्चुनिटी थी, कम ऑफर थे जॉब के लिए, तो इसी तरह से बी फार्मा में कुछ बढ़ गए, तो आप अगर फॉर्म डी करते हो तो आपको और ज़्यादा बढ़ जाता। वही सी बात है, एडमिशन के लिए सभी पहले से आपका जुनून है कि हाँ यार मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो आप वही सी बात है कि फॉर्म डी को यहाँ पे आ सकते हो, फॉर्म डी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैं मेनली सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप वही सी बात है इंडिया से हैं, और इंडिया में फॉर्म डी का मतलब उतना अच्छा स्कोप नहीं है जो लोग करते हैं, एक तरह से रोते हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्म डी को मतलब आना चाहो तो आ सकते हो। और आपको विदेश वगैरह जाने का शौक है तो आ सकते हो, अच्छी बात है। और यहाँ पे बात करें इंडिया में ही, तो इंडिया में भी ठीक ठाक आपको जॉब मिल जाएगा, जिस तरह से डी फार्मा के कंपेरिजन में बी फार्मा को कुछ एडवांटेज, जैसा कि इंडस्ट्री वगैरह जो है ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ पे जो बी फार्मा वाले या डी फार्मा वाले कर सकते हैं वो सभी चीज़, जैसे कि डी फार्मा वाले जो चीज़ करते हैं वो सभी चीज़ करने के साथ साथ कुछ एडवांस में कर सकते हैं, जो कि मैं बताया। साथ में डी फार्मा बी फार्मा जो चीज़ कर सकते हैं वो सभी चीज़ को यहाँ पे जो फॉर्म डी वाले हैं ये कर सकते हैं, लेकिन इनका कुछ एडवांटेज है कि ये क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में भी काम कर सकते हैं, मतलब हाई लेवल का जॉब पा सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्री में ही, और साथ में टीचिंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं, जो कि बी फार्मा वाले भी डी फार्मा को टीचिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। जो बी फार्मा आपके हो तो आप डी फार्मा को पढ़ा सकते हो, जो कि डी फार्मा वाले भी मतलब होम ट्यूशन वगैरह करवा सकते हैं फार्मेसी को, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बात करके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके तो यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है कि आप डी फार्मा की हो डी फार्मा को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ा रहे हो। शायद कुछ प्राइवेट कॉलेज ऑफर कर देते होंगे, बट मतलब ऐसा बहुत कम जो है चांस है कि होगा। इसके बाद यहाँ पे होता है एक बी फार्मा प्लस MBA। देखिए, बी फार्मा प्लस MBA में सिंपल सी बात, बी फार्मा जो आपका है सेम टू सेम वही, MBA मतलब आप बिजनेस का एक्सपर्ट हो, बिजनेस का मास्टर हो। अब यहाँ पे आप कंपनी में इसकी अच्छी सैलरी मिलती है, लाइक कि अगर बी फार्मा MBA आपकी हो तो बी फार्मा MBA का सैलरी डॉक्टर आप PhD के बराबर मिलेगी शुरू शुरू में, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको, क्योंकि MBA की वैल्यू तो रहती है, आप सभी को पता होगा। अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन को, तो यहाँ पे 5 साल होता है, अगर बी फार्मा प्लस MBA कंबाइन कोर्स है उसको एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे बी फार्मा 4 साल का होता है। प्लस में बात करें फॉर्म डी के, तो फॉर्म डी 6+1 ईयर का होता है, 6 ईयर आपका मतलब थ्योरी है, प्लस में 1 ईयर इंटर्नशिप प्रैक्टिकल होता है इसमें।
तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि फार्मेसी के कोर्स हैं। अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं लाइक इसमें तो आप फार्मासिस्ट ही बनते हैं, लेकिन अलग अलग अपना अपना रिक्वायरमेंट जिसके लिए आप सुटेबल हो उस कोर्स को आप फाइंड कर सकते हो और अच्छा अपना जो है बेहतर फार्मेसी लाइन में करियर बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो अच्छी लगी, फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी अगर वीडियो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। रीजन बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम है ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।